नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू प्रकाश पैराडाइज। वन ऑफ माई फ्रेंड ओन्स अ 2018 होंडा सिटी और उसको अपनी गाड़ी के टायर्स को रिप्लेस करना था। सो वी वर जस्ट डिस्कसिंग कि कौन सा टायर बेस्ट रहेगा। सो अकॉर्डिंग टू मी, बेस्ट टायर्स आर दोज जिसकी आपको सबसे आसानी से सर्विस मिल पाए, और मेरे घर के पास योकोहामा एक बहुत ही अच्छी सर्विस दे रहा है। सो आई रिकमेंडेड हिम टू गो फॉर योकोहामा टायर्स। एनीवेज, वो टायर तो हमने ऑर्डर कर दिया है, बट देर इज़ वन मोर थिंग आई इंसिस्टेड हिम टू गेट इंस्टॉल्ड, और वो था एक TPMS। सो उसने मुझसे बोला कि भाई तुम ही ऑर्डर कर लो और अपने घर पे, एंड व्हेन वील कम तब हम जो है उसको इंस्टॉल कर लेंगे। सो द TPMS हैज़ कम, और अभी मैं इसकी अनबॉक्सिंग करूँगा, आपको थोड़ा सा इसका इंस्टॉलेशन प्रोसीजर बताऊँगा, और उसकी गाड़ी में देखते हैं कैसा ये काम करता है। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइज, ये जो TPMS है ये मैंने Amazon से ख़रीदा है। इस प्रोडक्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और ये है स्काई शॉप का, एंड इट कॉस्टेड मी 2999। आई ऑलवेज रिकमेंड टू गो फॉर इंटरनल सेंसर्स रादर देन गोइंग फॉर एक्सटर्नल सेंसर्स। एक्सटर्नल सेंसर का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि अगर किसी के पास वो टूल है जिससे कि एक्सटर्नल सेंसर निकलता है, तो वो बहुत ही आसानी से उसको चोरी कर सकता है। उसका सेकेंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आपको अगर गाड़ी के टायर्स में हवा भरवाना है, रिफिल करवाना है, तो एवरी टाइम यू विल हैव टू रिमूव इट, एंड मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा पेन है। दैट्स वाई आई ऑलवेज रिकमेंड टू गो फॉर इंटरनल सेंसर्स। इंटरनल सेंसर्स एक्ट लाइक अ नॉर्मल नॉजल। एक बार जब वो इंस्टॉल हो जाता है टायर के अंदर, तो आपको उसको बार बार कुछ करना नहीं पड़ता है। एंड इन जनरल जो बैटरी लाइफ होती है इंटरनल सेंसर्स की, दैट इज़ अराउंड 5 ईयर्स। सो गाइस, बॉक्स के अंदर हमें मिलेगा सबसे पहले एक रीड मी इम्पॉर्टेंट टिप्स, जिसमें ये बता रहे हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो आपको इनके नंबर पे व्हाट्सएप करना है, और इन्होंने बताया है कि क्या क्या चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है वाइल इंस्टॉलिंग, एंड इवन इफ़ यू आर कीपिंग द कार आइडल फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इसके अलावा आपको इस प्रोडक्ट का यूज़र गाइड मिलता है यहाँ पर, ठीक है, और साथ में ये पेच मिला है। ओके, इन्होंने ये चीज़ अलग करके दे रखी है। ये आपको जो नॉजल है इसको आपको इसमें इंस्टॉल करना पड़ेगा, इसमें ये इंस्टॉल हो जाएगा और फिर इसको वहाँ पे फिटिंग होगी। और एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है RR, इट मीन्स रियर राइट, पीछे के राइट वाले टायर में ये वाला सेंसर इंस्टॉल होगा। इसमें लिखा हुआ है FR, इट मीन्स फ्रंट राइट, आगे के राइट वाले में ये इंस्टॉल होगा। इसमें क्या लिखा हुआ है, फ्रंट लेफ्ट, और इसमें लिखा हुआ है रियर लेफ्ट। तो हमें इस बात का ध्यान देना होगा कि जो सेंसर्स हैं वो एग्जैक्टली उसी पोजीशन में इंस्टॉल हों, सो दैट जो हमारा मेन डिवाइस है उसमें प्रॉपरली शो करे कि किस टायर में एग्जैक्टली कितनी हवा है। ये 4 नॉजल्स मिल रखे हैं। ओके, साथ में हमें एक केबल मिल रखा है, माइक्रो USB केबल है फॉर चार्जिंग। हमें मिल रखा है एक डबल साइडेड टेप, और हमारा मेन यूनिट। ये मेन यूनिट मेरे वाले से काफ़ी डिफरेंट है, जो मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा था, बट इट इज़ क्वाइट नाइस। यहाँ पर इसका सोलर पैनल है, और आई थिंक जो हमारे डबल साइडेड स्टिकर्स हैं वो यहाँ पे इंस्टॉल हो सकते हैं, और हम अपनी विंडस्क्रीन पे इसको लगा सकते हैं। उसके अलावा इसको अगर हम यहाँ पे लगाएंगे देन वी कैन यूज़ इट लाइक दिस। सो गाइस, बेसिकली इस डिवाइस में हमें यहाँ पे एडजस्टेबिलिटी मिलती है, विच इज़ क्वाइट गुड। आप अपने हिसाब से इसका पोजिशन डिसाइड कर सकते हैं, और अगर मान लीजिए ये ढीला हो जाए तो हम इसको इसी पेंच को टाइट कर देंगे, एंड इट विल बिकम मोर सिक्योर। ओवरऑल देखने में काफ़ी अच्छा है, आई रियली लाइक इट। यहाँ ऊपर आपको 3 बटन मिलते हैं जिनसे कि आप डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस को सेट कर सकते हैं, जैसे कि कितनी प्रेशर कम हो ये भी आप डिसाइड कर सकते हैं कि ये कब जो है ये बीप बीप करने लगे। इन जनरल अगर हवा बहुत जल्दी जल्दी निकल रही है तो ये अपने आप ही बीप करेगा, बट आप एग्जैक्टली कितने PSI पे, जैसे मान लीजिए कि आपकी गाड़ी में 34 PSI है एंड यू वांट कि 30 PSI होने पे ये बीप करने लगे, तो आप इसको भी सेट कर सकते हैं बाय गोइंग थ्रू द यूज़र मैनुअल। एज यू कैन सी कि इसकी स्क्रीन ऑन हो चुकी है, एंड इट इज़ शोइंग द कार इन स्मॉल। साथ में यहाँ पे एक PSI शो कर रहा है, डिग्री सेल्सियस, एंड द बैटरी। जब ये सोलर चार्ज होगा तो इसमें एक छोटी सी लाइट जल जाएगी एज सेट इन द इंस्ट्रक्शन मैनुअल। मैंने ये डिसाइड किया कि मैं इन दोनों को यहीं पर कनेक्ट करके ले जाऊंगा, एंड फॉर दैट आई नीड एन एलन की। और ये जो पेंच है इनको हम यहाँ से निकालेंगे, चूड़ी को इसमें डाला, और यहाँ पर इसको ऐसे डालेंगे, और फिर यहाँ पे ये देखिए ये भी एक पोर्शन है, तो इसको हम ऐसे
घुमा देंगे। यही चीज़ आपको चारों के लिए करना है। इन ऑर्डर टू मेक इट मोर सिक्योर हम एलन की को यूज़ करके इसको टाइट कर देंगे। हमने इसमें डाल के इसको टाइट कर दिया। तो आई थिंक ये पैकेजिंग के लिए किया गया है इन ऑर्डर टू मेक द पैकेज मोर स्मॉलर। और यही चीज़ हम चारों के साथ करेंगे। अब जैसे ही मेरा फ्रेंड आ जाएगा तो हम उसकी गाड़ी में इसको इंस्टॉल करवाएंगे। टायर्स के सेंसर्स को इंस्टॉल करने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी, इसलिए मैंने इस बात का विशेष ध्यान रखा कि सेंसर्स पर उनकी लोकेशन क्या लिख रखी है। सबसे पहले रिम में से पुराना टायर निकाला गया और साथ ही में जो पुराना वाला नोजल था ना उसको भी हमने काट के निकाल दिया। जो सेंसर्स वाला नोजल था उसे टाइट करने के लिए एक स्पेशल टूल की जरूरत पड़ेगी जो कि टायर वालों के पास जनरली खुद होता है। सेंसर्स वाला नोजल लगाने के बाद जब नया टायर रिम पे चढ़ाया जाए ना तो आप टायर वाले को ज़रूर बोल दीजिएगा कि ध्यान से काम करना, कहीं हमारा सेंसर टूट ना जाए। इसके बाद जब टायर रिम पे लग जाएगा और हवा भरी जाएगी देन ऑटोमेटिकली सेंसर एक्टिवेट हो जाएगा और जो हमारी डिस्प्ले है उस पर शो करने लगेगा कितना प्रेशर है, दिखाना शुरू कर देंगे। हैव अ लुक। इसी तरीके से हमने धीरे धीरे करके चारों टायर्स में सेंसर इंस्टॉल करवा लिया। एंड गाइज, आप खुद देख सकते हैं कि जब हम अपनी गाड़ी के टायर्स में हवा भरवा रहे हैं देन कैसे डिस्प्ले में नंबर्स इंक्रीज हो रहे हैं। फ्रेंकली स्पीकिंग, मुझे TPMS एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक्सेसरी लगता है एंड आई थिंक एवरी कार शुड हैव इट। गाड़ी में नए टायर्स लग चुके हैं और सेंसर्स भी इंस्टॉल हो चुका है। अब टाइम है जो डिस्प्ले यूनिट है ना उसको प्लेस करने का। सो, गाड़ी के चारों टायर का प्रेशर अब इसमें दिखाने लगा है और अब हम यहाँ पर डबल साइडेड टेप लगाएंगे ताकि हम इसको डैशबोर्ड पर लगा लें। हमने डिस्प्ले को राइट कोने में प्लेस करने का प्लान किया क्योंकि वो एक बहुत ही परफेक्ट जगह है। सो गाइज, जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस था वो कंप्लीट हो गया एंड माई फ्रेंड इज रियली हैप्पी विद द ओवरऑल सेटअप ऑफ दिस TPMS। उसने बोला कि जिस तरीके से हमने डैशबोर्ड पे उसको सेट किया है वो इतना बढ़िया है कि वो ओवरऑल जो उसका व्यू है उसको ख़राब नहीं कर रहा है। प्लस उसने ये भी मुझसे कहा कि वो अपनी सेकेंड कार में भी इसको ज़रूर इंस्टॉल करवाएगा बिकॉज इट इज़ अ वेरी यूजफुल प्रोडक्ट। एंड गाइज, लेट मी टेल यू, इट डज़ नॉट मैटर कि आपकी कार कितनी पुरानी है या कितनी नई है। अगर आपकी कार में TPMS नहीं है देन आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड यू टू गेट अ TPMS फॉर योर कार। और लेट मी टेल यू, इसकी कोई कंपैटिबिलिटी चार्ट नहीं है। दिस प्रोडक्ट इज़ कंपैटिबल विद एवरी कार एंड ऑल यू हैव टू डू इज़ कि बाय दिस प्रोडक्ट फ्रॉम Amazon और आप किसी भी अपने लोकल डीलर के पास जाइए, टायर डीलर के पास, और आप उसे कहिए कि इसको इंस्टॉल कर दो। अगर उसको समझ में नहीं आ रहा है तो आप थोड़ा बहुत मेरे वीडियो से भी चीज़ों को समझ सकते हैं। ओवरऑल ही इज़ वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी हैप्पी कि उसने इस चीज़ को इंस्टॉल कराया। सो गाइज, वीडियो कैसा लगा डू लेट मी नो इन द कॉमेंट्स बिलो एंड डू सब्सक्राइब इफ यू हैवन्ट डन ऑलरेडी। Have a great day and enjoy your life and keep smiling.